नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट अश्विनी गौतम। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा एंजल नंबर 777 के बारे में। एंजल नंबर 777 क्या होता है? एंजल नंबर 777, आप कहीं जा रहे हैं और अचानक से आपको 777 दिखाई दे जाए, या आपको अपनी लाइफ में बार बार 777 दिखाई दे रहा हो, तो परमात्मा का ये अंक, देवदूतों का ये अंक, एंजल्स का ये अंक 777 आपको कुछ मैसेज देने की कोशिश कर रहा है, कुछ संदेश देने की कोशिश कर रहा है। आइए इस संदेश को, इस मैसेज को समझने की कोशिश करते हैं कि 777 हमें क्या कहने की कोशिश करता है। प्यारे मित्रों, 777 में 3 नंबरों का यूज हुआ है, 7 केतु, 5 बुध और 3 बृहस्पति। 7 नंबर केतु का नंबर होता है और जब उसमें 7 जोड़ते हैं तो वो 14 आता है, जिससे 5 बनता है यानी कि बुध का अंक होता है, और 14 में जब 7 जोड़ते हैं तो 21 आता है, जिससे 3 बनता है जो बृहस्पति का अंक है। तो केतु, बुध और बृहस्पति आपको एक चीज का बड़ा इंडिकेशन देते हैं कि आप जिस भी काम में जा रहे हैं वो आपका काम अटकने वाला है, वो काम नहीं होने वाला है। क्योंकि 7 नंबर जो होता है वो गहराई का नंबर होता है, 5 नंबर बुद्धि का नंबर होता है और 3 तजुर्बे का नंबर होता है। जहां भी आप जा रहे हैं वहां इन 3 चीजों की कमी आपको मिलेगी, क्योंकि नंबर 7 जो होता है ना, केतु का जो नंबर होता है, वो कहीं ना कहीं डिससेटिस्फेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब यह है कि जिस भी काम को आप करना चाहते हैं वहां पर आपको गहराई में जाने की जरूरत है, बुद्धि लगाने की जरूरत है और तजुर्बे का उपयोग करने की जरूरत है, तब जाकर आपका वो काम होगा, अदरवाइज वो काम नहीं होगा। अगर एजुकेशन से रिलेटेड मैटर्स पे आपको 777 दिखाई दे रहा है ना, तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव इंडिकेशन भी है। वहां भी आपको ये कहा जाता है कि बड़ा गहराई में चले जाइए, इसके बुद्धि लगाइए, तजुर्बा हासिल कीजिए, तजुर्बा लगाइए वहां पर। और अध्यात्म के फील्ड में भी ये आपको पॉजिटिव इंडिकेशन देता है, ये कहने की कोशिश कर रहा है कि आप आध्यात्मिक गहराई में जाने वाले हैं, वहां आपकी बुद्धि यूज होगी और आपको उस अध्यात्म का एक तजुर्बा जो है वो मिलेगा। लेकिन भौतिक पहलू को देखते हुए आपको ध्यान रखना है कि काम में प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको यही फार्मूला अपनाना है कि उस काम की गहराई में जाना है, बुद्धि लगानी है और बहुत ध्यान से अपने तजुर्बे के साथ या दूसरों के तजुर्बे के साथ, किसी बुजुर्ग आदमी के तजुर्बे के साथ भी आप उस काम को कर सकते हैं। यह तो था 777 का संदेश। अगली बार 888 के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, कुछ चीजें मैं आपको और बताना चाहता हूं कि अगर आप भी न्यूमरोलॉजी अंक शास्त्र एक बहुत बड़ी विद्या है, नंबरों के साथ सारा गेम घूमता है, नंबरों के द्वारा आप बहुत कुछ जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो अगर आप नंबरों के इस गेम को सीखना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी को सीखना चाहते हैं, अंक ज्योतिष को सीखना चाहते हैं, तो प्यारे मित्रों हमारी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कीजिए और घर बैठे न्यूमरोलॉजी सीखिए। अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 9034730625। इस नंबर पर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप स्टडीज के शौकीन हैं, किताबें पढ़ने के शौकीन हैं, तो आप हमारी ऑनलाइन ईबुक को भी परचेज कीजिए, द मैजिक ऑफ नंबर्स। ये 2 किताबों का एक कॉम्बिनेशन है, द मैजिक ऑफ नंबर पार्ट 1 एंड द मैजिक ऑफ नंबर पार्ट 2। इस बुक्स के अंदर आपको नंबरों से जुड़ी हुई बहुत सारी एक्टिविटीज का पता चलेगा। न्यूमरोलॉजी को बहुत गहराई से इन बुक्स के अंदर समझाया गया है। और हमारे साथ बने रहिए हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अश्विनी गौतम में और ज्योतिष पुंज टीवी में। वहां पर आपको बहुत सारी चीजें इन दोनों चैनल्स पर आपको अवेलेबल रहने वाली है। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़े रहिए और विजिट कीजिए www.astroashwinigautam.com। वहां पर भी आपको बहुत सारी चीजें जो हैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड मिलने वाली हैं।
तो दोस्तों बने रहिए, और इतना जो मान प्यार सम्मान सहयोग आप लोग देते हैं उन सबका तहे दिल से उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद है, उन सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। आपका ये आभार, आपका ये प्यार मैं सारी जिंदगी नहीं भूल सकता। अपना प्यार अपना आशीर्वाद हमेशा बना के रखिएगा। अगले वीडियो में 888 के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय श्री राम।